देखिए, यहाँ मैंने दो तरह के भाग लिखे हैं। अगर आप छठी में, सातवीं में, आठवीं में पढ़ते हैं, नवीं में पढ़ते हैं या दसवीं में पढ़ते हैं, ये चीज़ें एक चैलेंज के रूप में आती है और जो क्वेश्चन हम बड़े करना चाहते हैं उसमें इन चीज़ों की वजह से मिस्टेक हो जाती है। मैंने यहाँ दो भाग लिखे हैं। पहले तक पाँच का भाग लगाना है 625 के अंदर और दूसरी बार पाँच का भाग लगाना है 515 में। दोनों भाग, अब मैंने दोनों में पांच का भाग ही देना है तो नया क्या इसके अंदर? इसमें कुछ न कुछ नया है जो अक्सर गलती होती है। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पांच का भाग इसमें लगाएं तो सीधी सीधी बात है, पहले छह में लगाएंगे पांच का भाग, तो ये पांच एकम पांच, ठीक है, माइनस किया, यहाँ एक बचा, पता है आपको। अगली संख्या उतार ली, यू की यू यहाँ पे 12 हो गए। अब आप पांच का पारा बोले तो पांच दूनी 10, यानी कि ये दो बार गया, ठीक है, 10 हो जाएगा। तीन बार बोलोगे तो 15 हो जाएगा, 15 बड़ा हो जाएगा, इसलिए दो बार लिखा जाएगा। अब यहाँ कितना बच रहा? दो बच रहा। आप अगला 5 उतार ले यहाँ पर, ठीक है, तो ये 25 बन गया। अब फिर पांच का पारा बोल के देख ले तो पांच बार जाएगा, 5 × 25, तो ये पांच बार गया और ये आपके 25 यू का यू आ गया और ये 0। ये भाग तो हमारे कंप्लीट हो गया, ये आपके उत्तर है। जब कभी लिखा जाता है कि 625 भाजक 5, तो क्या आंसर आएंगे? 125, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या खास बात है? मैं पांच का भाग पहले पांच में दूंगा, कितनी बार जाएगा? एक बार, ये लो पांच बार, चल पांच लिख दिया यहाँ पे मैंने, माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है? एक उतारा, पांच का भाग एक में जा नहीं रहा, बहुत छोटी संख्या है, तो हम क्या करते हैं कि अगली संख्या भी उतार लेते हैं और अब पांच का भाग इसमें लगाते हैं तो कितनी बार गया? तीन बार गया, तो हम फटाक से ये 3 लिख लेते हैं और ये हमारे आंसर आ जाता है। लेकिन यहां मिस्टेक हमने कर दी है, क्योंकि प्रोसेस तो हमने पूरा सही किया, प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं करी है, लेकिन यहाँ दो डिजिट, जैसे आपने ऊपर से पहला डिजिट उतारा, एक नई संख्या उतारी, भाग नहीं गया, तो अगली संख्या उतारने से पहले आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ये 5 उतारें और उसके बाद आप 3 बार जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही आंसर है। लेकिन अगर आपके 13 आंसर आ गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो सही आंसर क्या आएगा आपके? 103। तो ये ऐसी गलती नहीं करें, जैसे ही एक संख्या उतारी भाग नहीं गया, दूसरी उतारोगे 15 बनाने के बाद पहले आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा।